तो बच्चों, आज हम रिटेन वर्क शुरू कर रहे हैं पार्ट तीन का। ये पार्ट तीन हिंदी प्रोस का है और आप सभी को ये वर्क अपनी हिंदी कॉपीज की फर्स्ट साइड में करना है। सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर पार्ट तीन अकबर और बीरबल। हेडिंग लिखेंगे श्रुतलेख। इसके बाद है शिकार, तलाश, अंधेरा, पोंटली, मजाक, सवारी, खुराक, रकाब, बादशाह, जंगल। ये श्रुतलेख है। सबसे पहले श्रुतलेख करेंगे, इसके बाद करेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ 6 हैं। पहला है तलाश, इसका अर्थ है खोज। इसके बाद पोटली, इसका अर्थ है गठरी। जीन, इसका अर्थ है घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी। फिर रकाब, इसका अर्थ है पावदान। इसके बाद हाजिर जवाबी, इसका अर्थ है जवाब देने की निपुणता। और लास्ट है हक्का बक्का, इसका अर्थ है कुछ ना सूझना। पहले श्रुतलेख करेंगे, उसके बाद करेंगे शब्द अर्थ, इसके बाद करेंगे सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। यह हेडिंग आएगी। पहला है अकबर और बीरबल जंगल में कहाँ रुक गए? एक नदी के पास, एक झरने के पास या एक तालाब के पास? तो अकबर और बीरबल जंगल में एक झरने के पास रुके थे। तो एक झरने के पास, इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है उन लोगों ने आराम कहाँ किया? एक पेड़ के नीचे, एक झोपड़ी में या एक मकान में? तो इसका उत्तर है एक पेड़ के नीचे, इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है भूख लगने पर अकबर ने क्या खाया? जंगली फल, चने या शाही खाना? तो भूख लगने पर अकबर ने चने खाए थे, तो चने के सामने सही का निशान लगाएंगे। ये सही विकल्प बस 3 है। इसके बाद हेडिंग आएगी प्रश्न उत्तर की। प्रश्न उत्तर भी 3 है। देखिए, पहला है अकबर और बीरबल जब थक गए तो उन्होंने क्या किया? जब अकबर और बीरबल शिकार के लिए निकले थे तब वो वहाँ पर खोजते खोजते शिकार को थक गए थे, तो ये पूछ रहे हैं कि उसके बाद क्या किया था थकने के बाद। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वह एक झरने के पास रुक गए, हाथ पैर और मुंह धोकर आराम किया। पहले वो एक झरने के पास रुके, वहाँ पर उस झरने से उन्होंने हाथ पैर और मुंह धोया और फिर आराम किया था। दूसरा है पोटली में क्या था? इसका उत्तर लिखेंगे कि पोटली में चने थे। तीसरा है अंत में अकबर ने बीरबल से क्या कहा? जब इस कहानी का अंत हो रहा था, यानी कि लास्ट में क्या कहा था अकबर ने बीरबल से, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि अंत में अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। इसके बाद करेंगे किसने कहा, किससे कहा। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि ये वाक्य इस कहानी में किसने किससे कहे थे। तो पहला है मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तुम्हारे पास खाने को हो तो दो। ये बात किसने कही थी? अकबर ने कहा बीरबल से। तो ये आएगा कि पहले लिखेंगे अकबर और फिर लिखेंगे बीरबल। दूसरा, इस समय तुम्हारा घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? तो ये बात भी अकबर ने बीरबल से कही थी, तो पहले लिखेंगे अकबर फिर लिखेंगे बीरबल। तीसरा, मेरा घोड़ा पूछ रहा है अब तुम किस पर सवारी करोगे, मुझ पर या बादशाह पर? तो ये बात किसने कही थी? बीरबल ने अकबर से कही थी, तो पहले लिखेंगे बीरबल फिर लिखेंगे अकबर। चौथा, तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं, तो ये बात कही थी अकबर ने बीरबल से, तो पहले लिखेंगे अकबर फिर लिखेंगे बीरबल। इसके बाद हेडिंग आएगी सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। अब ये खाली जगह दे रखी है और यहाँ पर बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं जो हमें वहाँ से देखकर इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। पहला है अकबर और बीरबल डैश करने के लिए निकले। तो क्या करने के लिए निकले थे अकबर और बीरबल? शिकार करने के लिए। तो फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा शिकार। दूसरा, धीरे धीरे डैश भी होने लगा,
तो धीरे धीरे क्या होने लगा था, अंधेरा, तो इस पे लिखेंगे अंधेरा। तीसरा है, अकबर को बहुत डैश लगी थी, तो अकबर को क्या लगी थी, भूख, तो तीसरे में लिख देंगे भूख। लास्ट है, बीरबल को अकबर से डैश करने की सूझी, तो बीरबल को क्या सूझी थी, बीरबल को सूझी कि वो अकबर से मजाक करे, तो इस ब्लैंक में आ जाएगा मजाक। शिकार, अंधेरा, भूख, मजाक, ये चार रिक्त स्थान है सिर्फ। इसके बाद हेडिंग आएगी समझो और लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और वो प्लस लगाकर लिखे हुए हैं, जैसे शिकार प्लस बड़ी ई बराबर शिकारी, तो उन्होंने एक करके दिखाया है। इसी तरह से हमें सारे शब्द बनाने हैं, जैसे तलाश प्लस ई बराबर तलाशी, ऊपर प्लस ई बराबर ऊपरी, जंगल प्लस ई बराबर जंगली, भूख प्लस ई बराबर भूखी, सवार प्लस ई बराबर सवारी, तो इस तरह से हमें ये शब्द बनाने हैं। इसके बाद हेडिंग है पाठ में शब्दों के जो जोड़े आए हैं उन्हें सामने सही और जो नहीं आए हैं उनके सामने गलत का निशान लगाओ। यानी कि इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो जिन शब्दों के जोड़े बने हुए हैं, यानी वो शब्द डबल होकर एक साथ आया है, जैसे घूमते घूमते, इधर उधर, इस तरह से कुछ शब्द एक साथ आए हैं, यानी कि जोड़े बनकर आए हैं इस पाठ में। तो हमें इस पाठ में जो शब्द के जोड़े बनकर आए हैं उन पर उनके सामने सही का निशान लगाना है, और जो नहीं आए हैं जोड़े बनकर शब्द उनके सामने गलत का निशान लगाना है। तो ये है घूमते घूमते, इसके सामने करेंगे सही का निशान, फिर आमने सामने, इसके सामने करेंगे गलत का निशान, फिर इधर उधर सही का निशान, धीरे धीरे सही का निशान, आगे पीछे गलत का निशान, अपने अपने सही का निशान, हक्का बक्का सही का निशान, और भाई बहन गलत का निशान। अब देख लीजिए सही का निशान किस पर लगे हैं, जैसे घूमते घूमते, इधर उधर, धीरे धीरे, अपने अपने, और हक्का बक्का, ये वो सारे शब्द हैं जिनके जोड़े बनकर इस पाठ में आए हैं। तो इस चैप्टर का रिटन वर्क यहीं पर कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये सारा वर्क अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है, और कॉपीज़ की फर्स्ट साइड में कंप्लीट करना है।